दिल्ली में जीटीबी नगर में ई रिक्शा चालक की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट कर इस घटना पर दुख भी जताया है। दरअसल वारदात की शुरुआत दोपहर करीब 2 बजे पेशाब करने को लेकर हुई, उस वक्त जब एक ई रिक्शा चालक ने 2 लोगों को स्टेशन के बाहर खुले में टॉयलेट करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी देख लेने की धमकी देकर चले गए। रात के करीब 8 बजे दोबारा 15 से 20 लोग एक साथ आते हैं और रिक्शा चालक को पीटने लगते हैं, जिससे रिक्शा चालक की मौत हो जाती है। चश्मदीदों की माने तो 15 से 20 लोग मिलकर रविंद्र नाम के रिक्शा चालक को पीट रहे थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी तौलिया या गमछे में ईंट बांधकर उसे मार रहे थे। हादसे के बाद उसके साथी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के फौरन बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन वो खराब बताए जा रहे हैं। लिहाजा पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। मुखर्जी नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। वेंकैया नायडू ने इस मामले घटना के बारे में उच्च स्तरीय जांच करके और संबंधित लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए मैंने कमिश्नर को कहा है। कमिश्नर ने कहा कोई सीनियर अधिकारी को नियुक्त करके पूरा जांच करके तुरंत एक्शन लेंगे, ऐसा कमिश्नर ने मुझे वादा किया है। अपने बाहर को लगा रखे हैं।